It is the opportunities we give our students that makes B.K. Birla Institute of Engineering and Technology, Pilani, stand out from others. At BKBIET, you will be able to attend classes on industry readiness while participating in our placement drives, internships and opportunities for further studies in France and Thailand. We always welcome prospective students and recruiters. Contact us for your campus visit today. अलवर और राजस्थान के इतिहास में मेडिकल साइंस ने चमत्कार किया है। पहली बार 70 साल की महिला और उनके 75 वर्ष के पति को आज विज्ञान के चमत्कार IVF प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से संतान की प्राप्ति हुई है। उन्होंने पुत्र को जन्म दिया है। यह चमत्कार कर दिखाया है अलवर जिले के एकमात्र रजिस्टर्ड IVF सेंटर इंडो IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने, जिसने अपनी स्थापना की 10वें वर्ष में यह चमत्कार किया है। इस संस्था के साइंटिफिक डायरेक्टर और एब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि चंद्रावती और गोपी सिंह झुंझुनू के पास हरियाणा बॉर्डर के सिंघाना गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने पहले भी अनेक जगहों से बड़े बड़े महानगरों से उन्होंने इलाज लिया था और लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर यह अलवर आए। अलवर में उनको उनकी एक रिश्तेदार संगीता, जो रेवाड़ी में एडवोकेट है, वो उन्हें लेकर आई थी और उन्होंने लगभग 1.5 से 2 वर्ष पूर्व अपना इलाज चालू करवाया था और आज से 9 महीने पूर्व वे IVF प्रक्रिया के तीसरे प्रयास में गर्भवती हो गई थी। मेडिकल फ्रेटर्निटी भी रोमांचित थी लेकिन शंकित भी थी कि इतनी अधिक उम्र में प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने तक कैरी करना और फिर उसके बाद सफल डिलीवरी होना। हालांकि अब गत वर्ष दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में यह कानून पार्लियामेंट भारत की संसद में पास हो चुका है, जो जून 2022 से लागू हुआ है कि अब 50 वर्ष से ऊपर की महिला और पुरुष को कोई भी IVF निसंतानता केंद्र इलाज नहीं दे पाएंगे और ना ही वह लोग अधिक उम्र में इलाज ले पाएंगे। लेकिन ये खुशकिस्मत जोड़ी है कि भारत के इस कानून के लागू होने से पूर्व ही यह चमत्कार हुआ है और चंद्रवर्ती और गोपी सिंह जो एक रिटायर फौजी हैं, जिनको फौज से रिटायर आए हुए 40 वर्ष हो चुके हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के युद्ध में गोली भी खाई है और आज उनके घर में चिराग जला है। सिजेरियन ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर कर्नल रीना यादव भी एक फौजी हैं, गोपी सिंह भी एक फौजी हैं।